शाहरुख खान की फिल्म जीरो भी रिलीज से पहले विवादों से जुड़ चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि शाहरुख ने गत्र कृपाण पहनकर सिख धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई 30 नवंबर को सुनिश्चित की है। याचिकाकर्ता अमृतपाल सिंह खालसा ने कहा है, ये हमारे धर्म का स्पष्ट रूप से मजाक है। मेकर्स हमारे विश्वास और धार्मिक भावनाओं को इस सीन से नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि सिखों को अनुच्छेद 25 के तहत कृपाण पहनने और ले जाने का विशेष अधिकार दिया जाता है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर के एक सीन में शाहरुख को कृपाण पहने दिखाया गया है। इस सीन पर आपत्ति जताते हुए मनजिंदर ने सोशल मीडिया पर लिखा है, कृपाण को साधारण चाकू की तरह इस्तेमाल कर शाहरुख ने जो सिख ककार को छोटा दिखाया है और हमारी भावनाएं आहत की हैं, इसके लिए उन पर लानत है। मनजिंदर ने आगे कहा, कृपाण सिर्फ खालसा यानी सच्चे इंसान द्वारा पहनी जाती है। मेरी शाहरुख और फिल्म की प्रोड्यूसर गौरी खान से डिमांड है कि वो तुरंत पोस्टर और सीन फिल्म से बाहर करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमें फिल्म की टीम के खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। बॉलीवुड की स्टाइल डीवा सुष्मिता सेन 43 साल की हो चुकी है। सुष्मिता ने जनवरी 1994 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। वैसे सुष्मिता के लिए ये खिताब इस वजह से भी काफी मायने रखता था कि उन्होंने इस कंपटीशन में खूबसूरती की मलिका ऐश्वर्या राय को हराया था। हालांकि पहले सुष्मिता को भी ऐश्वर्या की खूबसूरती से डर लगता था, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत दिखाई और महज 18 साल की उम्र में मिस इंडिया का ताज अपने नाम कर लिया। '94 में हुई मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए करीब 26 लड़कियों ने अपने नाम वापस ले लिए थे, क्योंकि माना जा रहा था कि ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत लड़की के सामने किसी का भी टिक पाना मुश्किल है। नाम वापस लेने वालों में सुष्मिता भी शामिल थी, लेकिन फिर अपनी मां के कहने पर सुष ने न सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया बल्कि इसे जीतने के लिए कड़ी मेहनत भी की। ऐश्वर्या और सुष्मिता के बीच मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में कड़ा मुकाबला हुआ था। हालांकि इंटरव्यू राउंड में सुष्मिता ने ऐश्वर्या से बाजी मार ली थी। दोनों से पूछा गया था कि यदि आप किसी ऐतिहासिक घटना को बदल सकती तो वो क्या होती। इस पर ऐश्वर्या का जवाब था, अपने जन्म का स्थान, जबकि सुष्मिता का उत्तर था, इंदिरा गांधी की मृत्यु। माना जाता है कि इसी जवाब ने दोनों की किस्मत का फैसला कर दिया था। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस की बात करें तो अदिति राव हैदरी का नाम भी इसमें शामिल होता है। बात की जाए उनकी हिट फिल्मों की तो अदिति की हिट फिल्मों में रॉक स्टार, मर्डर 3, भूमि और पद्मावत जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने इन फिल्मों में अपने अभिनय से साबित कर दिया है कि वो एक शानदार एक्ट्रेस हैं। एक्ट्रेस अदिति ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2006 में मलयालम फिल्म प्रजापति से की थी। अदिति की पहली हिंदी फिल्म दिल्ली 6 थी। साल 2007 में आई तमिल फिल्म श्रृंगारम को 3 नेशनल अवार्ड्स के साथ भरपूर सराहना मिली थी। रिश्ते में अदिति राव हैदरी अभिनेता आमिर खान की पत्नी किरण राव की ममेरी बहन भी हैं। अदिति का ताल्लुक राजा महाराजाओं के परिवार से है। अदिति के परदादा अकबर हैदरी 1869 से 1941 तक हैदराबाद के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके अलावा अदिति असम के पूर्व राज्यपाल रह चुके मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी की भतीजी हैं। अदिति के नाना राजा जे रामेश्वर राव तेलंगाना के वनापर्थी पर राज करते थे और शांता रामेश्वर राव हैदराबाद के जाने माने एजुकेशनलिस्ट के साथ ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिशिंग हाउस के चेयरपर्सन थे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 21 साल की उम्र में एक्टर सत्यदीप मिश्रा से शादी की थी, लेकिन दोनों 4 साल में ही अलग हो गए थे। इसके साथ ही अदिति एक बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर भी हैं
उन्होंने 6 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। वो जानी मानी डांसर लीला सैमसन की शिष्या रह चुकी हैं। वो इस समय बॉलीवुड फिल्मों से दूर हैं, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में वो फिल्मों में काम कर रही हैं। हाल ही में वो अभिनेता दुलकर सलमान के साथ भी रिलेशन को लेकर सुर्खियों में बनी रही थी। दुलकर को फिल्म कारवां में देखा गया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।